हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का व्लॉग है, मैंने आप अगर आप बाहर से देखेंगे तो रात हो चुकी है। मैं विंडो के सामने बैठी हूँ और अभी रात हो चुकी है। और मैंने आज सोचा कि कल के लिए मुझे क्या व्लॉग करना है, क्योंकि संडे है। संडे को मेरा खासा दिन बिजी होता है, लाइक क्योंकि वो एक दिन पहले होता है बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से। तो बच्चों को शॉवर देना है, उनकी क्लीनिंग, लॉन्ड्री और सारी चीज़ें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वक्त जाऊँ और आपके लिए कुछ मैं शूट कर लूँ, ताकि वो मैं कल आपको वीडियो को अपलोड कर दूँ और आप उसको इन्जॉय कर लें। तो आज मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने वो लिस्ट देखी जो मैंने आप लोगों के, जो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं उनमें से थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनमें से एक वीडियो को हम बनाते हैं। आपको याद होगा जब मैंने हाउस टूर दिया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये फरमाइश की थी कि गुल, हमें बैब्रस का जो ज्वेलरी का जो उसका मिरर है, जो उसकी क्लोजेट है, या आप उसको जो भी बोलना चाहते हैं, लाइक ज्वेलरी बॉक्स कह लें, लेकिन वो काफी बड़ा है, लाइक वो फुल है, लाइक काफी अच्छे साइज का है, तो उसमें काफी ज्यादा ज्वेलरी आ जाती है। तो मैंने आपको उसका स्नीक पीक दिया था लेकिन डिटेल नहीं दिखाई थी। तो मैंने कहा चले, अगर आप लोगों का इतना आपको उसमें इंटरेस्ट था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने किधर से लिया था और कितने का लिया था, तो ये सारी चीजें थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूंगी, वो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ। पहले मैं आपको लेके जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि बैब्रस का जो ये है ज्वेलरी का जो सारा सेटअप, वो किस तरीके का नजर आता है। तो लेट्स गो टुगेदर। मैं ऑलरेडी बैब्रस के कमरे में ही हूँ। तो जनाब, अगर आप देखें तो ये है बैब्रस का बेड, और बैब्रस के बेड के बिल्कुल साथ मैंने ये रखा हुआ है जी इसका ज्वेलरी जो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था कि इसके ऊपर पूरा मिरर है, लाइक अगर आपने अपने आप को देखना है तो आप अपने आप को इस तरीके से पूरा के देख सकते हैं। लाइक अगर आपने, मेरे पास पूरे घर में सिर्फ एक यही मिरर है जिसमें मैं अपने आप को पूरा देख सकती हूँ। तो अक्सर तैयार होने के बाद हम इधर आ जाते हैं। तो ये है जनाब जी हमारा मिरर, और आप देखें वो नीचे बैब्रस का पड़ा है जी मॉइस्चराइजर। बैब्रस ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती है सेटाफिल का, और इसको मैंने कहा इधर ही रख लो क्योंकि वॉशरूम में तो ऑलरेडी दूसरे वाले मौजूद हैं। तो अगर आप इसको देखें स्टैंड को, तो ये आपको नज़र आएगा बहुत ही स्ट्रांग वाला है। लाइक ये कुछ मिलते हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके इधर आप देखें ये स्विच है, लाइक ऑन ऑफ का एक बटन सा बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको ऑन करूं तो इसमें से लाइट आती है, लाइक इस तरीके से। तो ये चेक करें, ऐसे बहुत कम हम ऑन करते हैं क्योंकि मुझे इसकी लाइट अच्छी नहीं लगती। अगर आप मेरा चेहरा देखें तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे डे लाइट वाली अच्छी नहीं लगती, मुझे डिम लाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने कहा आपको इसका फीचर दिखा देती हूँ, कूल फीचर है, स्पेशली अगर कमरे में कोई सो रहा है और आप अकेले हैं, तो अगर आपने देखना है तो आप आराम से इसको ऑन करें, तैयार हो जाएं और आराम से यहाँ से फिर निकल जाएं। तो अभी मैं इसको कर दूंगी ऑफ, और इसके बाद जब आप इसको साइड से देखें तो आप इसको, इसका जो मैंने अगर देखें आपको, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है बैब्रस की हाइट और उसके पसंद के मुताबिक। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लाइक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। अभी इधर हम जाएंगे तो इधर से इसका कोई लॉक वगैरह नहीं है, बस आप ऐसे इसको खोल देंगे इस तरीके से। तो ये आप खोलेंगे तो ये है जी इसका कंप्लीट एक लुक, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा लुक। फिर आपको दिखाती हूँ इसकी ज्वेलरी कि उसने क्या क्या, कैसे कैसे रखी हुई है बैब्रस ने चीज़ें। तो ये है जी इसका एक कंप्लीट लुक। और इधर देखेंगे तो इधर भी एक मिरर है, इधर भी इस तरह का एक मिरर है। और लाइक अगर आप खोल के, जिसने बैब्रस ने एक, इसको मैंने कॉम्पैक्ट लेके दिया हुआ एक मैस्क है, बस यही दो तीन चीज़ें ये लगाती है कभी कभी वो भी। तो ये इधर पड़ी हुई है ताकि अगर इसने तैयार होना होता है तो इधर ही वो तैयार हो जाती है, और यहीं से फिर वो बाहर को चली जाती है। तो चलें जनाब, इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेकलेसेस से। सबसे पहले जब हम डोर खोलते थे तो हुक्स थोड़ी हैं, एक चीज़ इसमें जो कमी है, इनको चाहिए थी कि ये डिफरेंट जगहों पे हुक्स लगाते ताकि इसको हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बल्कि सोच रही हूँ कोई इस तरह की मैं चीज़ लेके आऊँ जिसको मैं स्क्रू कर दूँ यहाँ से, इस तरह की कोई चीज़ हो जिसके ऊपर मैं हुक्स लगाऊँ और फिर इसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी इधर, और एक मेरा दिल इधर लगा दूँ ताकि इसको ज़्यादा जगह मिल जाए। अभी कह रही थी कि अम्मा मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है, मैं इसमें और कोई ज्वेलरी भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप इधर आके देखें तो ये इसके कुछ, ये तो हेयर बैंड्स हैं, ये बालों के ऊपर लगाने वाले ये हेयर बैंड्स हैं। ये इसके कुछ नेकलेसेस हैं, इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट। और एक चीज़ मैंने नोट की है कि इसमें रखने से की वजह से कोई चीज़ अपना रंग ख़राब नहीं करती है, लाइक चीज़ें काली नहीं होती हैं।
और ये देखिए, ये नेकलेस आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत प्यारा इसका एक नेकलेस है। ये जब ये पहनती है इतना कूल लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये वाला इसको देख लें। फिर इसका एक ये नेकलेस है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर का, ये सेट मैं भी लेके आई थी अगर आपको याद हो। इसमें रिंग भी है, इयर रिंग्स भी हैं और साथ में इसमें एक लॉकेट भी है, चेन। ये ब्रेसलेट्स हैं, ये सारे नेकलेसेस डिफरेंट तरह के हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके पास हैं तो इसने सारी एक दूसरे के ऊपर ही लटकाई हुई हैं क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। ये जी एंटीक का है, मैंने आपको बताया था एंटीक स्टाइल में है। मैंने इसको ईद पे एक ड्रेस लेके दिया था तो ये उसके साथ लिया था हमने मैचिंग करके उसके साथ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाले मैं अगर उतारूँ, आई डोंट नो ये बाहर आएगा कि नहीं। ये देखें, ये नेकलेसेस हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाऊँ तो आपको सही नज़र आएगा, ये नेकलेसेस हैं। ये जब आप अपने ये बैक साइड पे जाता है ये वाला एरिया, और ये वाला आपके फ्रंट पे आता है, तो ये इतना क्यूट लगता है जब आप पहनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी मेरी बच्चियाँ, अब चूंकि लोगों के घर में आना जाना ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं पहनती हैं, वरना ये बैबर्स को तो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये इसका नेकलेस है, ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ये लॉन्ग वाला है इसका, ज़्यादा लॉन्ग वाले अब मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो नज़र ही नहीं आते, क्योंकि जब ये स्कार्फ ले लेती है तो उसके अंदर से वो नज़र नहीं आती हैं चीज़ें। तो ये हो गया है जी इसका ये वाली साइड। अब हम जाएंगे इसके रिंग्स वाली साइड पे, तो बहुत ज़्यादा रिंग्स नहीं है, बस बैबर्स को जो अच्छी लगती थी वो खरीद लेती है। और यहाँ पे आप वन बाय वन ये देखें, ये वाला जो है इसका रिंग, ये हमने मैचिंग किया था इस वाले एंटीक के साथ। तो इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, ये देखें जिस तरह से, ये देखें इस तरह से आप देखें। और काफ़ी ज़्यादा जगह बनी है। अभी मैंने बैबर्स को जो ये रिंग्स ला के दी थी, अभी इसने इसमें नहीं डाली हैं, अभी ऐसे ही पड़ी हैं। तो ये है जी बैबर्स की रिंग्स, और पहनती नहीं है ज़्यादा लेकिन लेने का शौक है हमें। इधर हम आ जाएं तो मैंने आपको बताया था एक कॉम्पैक्ट लेके दिया हुआ मैंने बेबल्स को, एक ब्रश है उसका और एक मैस्कारा, दैट्स इट। ये चीज़ें लेती है, ये लिप ग्लॉस इसको किसी ने गिफ्ट किए थे, कभी इसने यूज़ नहीं किए हैं, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये वाले रिंग्स अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले जो मैंने हॉल किया था उसमें मैं इसके लिए लेके आई थी। ये भी जी ईयर रिंग्स हैं, ये भी ईयर रिंग्स हैं, और ये पीछे इसने रखे हैं सेफ्टी पिन्स, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसी को बोलती हूँ बैबरस मुझे ला के दे दो, तो ये ढूंढ ढूंढ के लेके आ जाती है। अब आते हैं जी हम इस साइड पे, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाती हूँ। ये देखें इसके नेकलेस ये पड़े हैं, इसके ईयर रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक आप देखते जाएँ। और मैं पहले उसको बोल रही थी कि बैबरस अब हम लोग यूँ करते हैं बाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि अब तो तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं है। ये देखें इस तरीके से ये नज़र आते हैं, ये देखें बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं इसके पास, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक है ज्वेलरी का, कि जितनी मर्जी इसको ज्वेलरी दे दो ये बड़ी खुश होकर पहनती है। ये देखें, बस आप लोग देखते जाएं, मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये देखें ये कितने क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बैबरे साहब ने मेरा तो सारे पाए भी हैं कि नहीं? I've worn all of them a lot. अच्छा चलो भाई, उसने पहने हैं, लेकिन अगर आप देखें वो कितने प्रॉपर तरीके से उनको संभाल के रखती है, वो ख़राब नहीं करती है चीज़ें, इसलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके देती हूँ। जो इसका दिल करता है मैं इसको लेके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें ख़राब नहीं करती है। तो ये 3 का पैक है, ये देखें ये भी हैं, और ओ ये अच्छा जी स्पाइडर्स भी हैं। हम लोग ज़्यादातर लाइक मैंने इसकी 90% ज्वेलरी जो हमने ली हुई है वो हम लोगों ने क्लेयर से ही ली है, हमें क्लेयर बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका नेकलेस फैब्रिक ये है ना, ये इसका ये है जी ईयर रिंग्स, अगर आप देखें ईयर रिंग, और ये है जी इसका नेकलेस, ये और ये, तो ये सेट है इसका ये। उसके बाद आप ये देखें, बहुत ही तरीके से लीके से चीज़ें रखती है, तो मुझे खुशी होती है जब मैं इससे चीज़ें, ये इतने खूबसूरत लगते हैं, ये इतने खूबसूरत लगते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। बैबरस को बहुत ज़्यादा सूट करते थे, हमने इसके एक ड्रेस के साथ मैचिंग किए थे। मुझे यही होता था जब मैं इसके लिए कोई ड्रेसेस खरीदती थी तो साथ ही हम क्लेयर्स पे चले जाते थे कि हमारे पास है सब चीज़ें, हम वहाँ से जाके और उसकी फेवरेट या उसके कलर कोऑर्डिनेशन कर लेते थे ज्वेलरी के साथ। ये है, ओ ये कितने ज़्यादा हैं भाई। अच्छा जी ये स्नो के हैं, स्नो फ्लेक्स हैं, स्नोमैन हैं, इस तरह की चीज़ें बनी हुई डिफरेंट है। अगर आप देखें मैं इसको अगर मूव करूँगी तो आपको नज़र आएगा। ये हैं, और इसमें क्या, ये देखें इसमें बहुत तरह की चीज़ें, स्नो बैबरस ये गिरे हुए हैं इधर आपके ज़्यादा सारे, हाँ तो ये हैं जी सारे जो गिर गए। और ये इसके कुछ रिंग्स हैं जो उधर पूरी नहीं आती हैं, अगर आपको नज़र आ रही हैं, तो ये इसकी रिंग,
ये हम वहाँ पे इस जगह पे हैंग नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी हैं। बस मैंने कुछ नीचे गिराया, आप उठा लेना। ये है इसकी रिंग एंड दैट्स इट। की शाय चलो जी, ये था ईयर रिंग जो आप अपने कानों के बैक साइड पे पहनते हैं। चलें, ये हमने पूरी की पूरी चीज़ आपको दिखा दी। अब मैं ऐसा करती हूँ, इन चीज़ों को वापस रखती हूँ, फिर दूसरा क्लिप बनाती हूँ। चलें जी, तो ये मैंने आपको भी दिखाया जिसको मैंने अभी वापस चीज़ों को रख दिया। अब हम जा रहे हैं जी सेकेंड वाले साइड पे, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसके पास क्या है। ये देखें, ये भी नेकलेस, ये चोकर्स हैं। बैबलेस ये चोकर है ना, ये चोकर है और साथ उसका मैचिंग है जी ब्रेसलेट, और साथ उसके ईयर रिंग्स भी हैं। एक्चुअली इसने इतनी चीज़ें ली हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि इसके। ये देखें, इधर मैं रखूँगी तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत है ये है। और ये ज़रा आप चेक करते जाएँ, ये एक एक के ऊपर कितने ज़्यादा हैं आप ज़रा ये देखें। मैं बस मैं सारे तो नहीं देखे पाए हुए। I've worn them all at least once. अच्छा, once? That's why. ज़रा आप चेक करते जाएँ, इसका जो दिल करेगा जिस तरह की। ये देखिए चप्पलें भी बनी हुई हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं। आई थिंक ये समर के हैं ना जेब्रा बैब्रस। या दे समर थीम, समर एंड बीच वाले हैं। और अभी ये देखें, ये स्प्रिंग से लिए हुए हैं। ये कितने के थे, $12 के। तो ये स्प्रिंग्स के हैं। स्प्रिंग्स की ज्वेलरी भी अच्छी होती है, अगर आप जाएँ तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये है और फिर ये देखें बस, ये तो अब तुम्हारे साइज के मुताबिक सही नहीं है कि पूरे सही लग देन पा के। The top row, I can wear not the bottom. हाँ, वो मैं तो छोटे हो गए। ये देखें जी, ये हेलोवीन के हैं। ये बैबरस तो स्कूल जाया करती थी, तो ये थीम के मुताबिक एवरी डे के मुताबिक अपने ईयर रिंग्स एवरी डे चेंज करती थी। बेचारों की ख्वाब बन गए वो सब कुछ। ये देखें आप कितने प्यारे हैं। आज मैंने कहा डिटेल आपको वीडियो दिखा दूँ कि इसके पास कौन कौन सी ज्वेलरी है, उसकी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि गुल दिखा दें। मैंने कहा चलें फाइनली आज चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये भी हैं। मुझसे तो काउंट भी नहीं होते। आई बैबस कितने हो सें तेरे गुल, कितने पेयर से बैबस से कुछ मिसिंग हैं कि देखें। They fall and then I put them in a Ziploc bag so I can match them up later. चलो ये देखें, ये कितने प्यारे हैं। Yeah, we bought those. ये मैं देखें स्प्रिंग से लिए हैं कि कितने के हैं। ये देखें यहाँ पे प्राइस लिखी है $15 के हैं, और कितने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा भी। और ये हमने किधर से लिए थे बैबरस, ये वॉलमार्ट के हैं, $8 के। या $8 के हैं ये, वॉलमार्ट से, जॉर्जन की कंपनी है। तो ये हैं जी। चलें जी, ये हो गई हमारी दूसरी साइड भी खाली, और अब इसको दोबारा फिल करेंगे और फिर मैं आपको लेके जाऊँगी इसके ऊपर। चलें जी, अब हम लोग इस, ये दो चीज़ें हमने देख ली, वन एंड टू। अब हम जा रहे हैं जी थर्ड वाली साइड पे। थर्ड में इसने, ये बैबरस ने, अगर आपको याद है, मैंने अभी रिसेंट मैंने इसकी बाई की, इसकी जगह नहीं बनी, इतने बड़े हैं ये कहीं नहीं जा रहे, इसलिए हमने इसको इधर ही डाल दिया। उसके अलावा ये कुछ हेयर बैंड्स हैं, बैबरस खैर नहीं पहनती, ये बहुत पुराने हैं लेकिन ये पहनती नहीं, लेकिन इसे रखे। ये देखें गोल्ड है ये हेयर बैंड, जिब्राइल भी नहीं ना पहनती बैबरस। Sometimes. अच्छा, ये एक है, मैं आपको दिखाऊं दूसरा। ये है जी सेकेंड वन, मैं इधर दिखाती हूँ आपको, इधर ब्लैक ब्लैक के आगे ये बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको। ये देखें इस तरीके से, ये सेकेंड वन। अल्लाह फंस गए। ये देखें जी, ये है जी थर्ड वन, ये तो बड़ा प्यारा है बैबरस। पा लिया करो ना कभी कभी। आई अल्लाह, गिरा दी मैंने चीज़ें, मैंने चीज़ें नीचे गिरा दी हैं। अभी आपको दिखा, ये देखना ज़रा वन बाय वन हर चीज़। एक ये है, बस हम लोग रैंडम चीज़ें खरीद लेते थे, बस जाते थे कुछ ना कुछ जो हमें अच्छा लगता था बस हम वो ले लेते थे। बैबरस वो नीचे से, आई थिंक ये हमें दो सेम नहीं बाय किए, एक तुम्हारा एक जिब्राइल का। हाँ ये एक सेम है, दो है मेरे पास, क्योंकि जिब्राइल को भी बड़े शौक आते थे मैं ये भी ले लूँ, अम्मा मैं वो भी ले लूँ, पहनती नहीं थी। ये देखें, ये मेरा इतना फेवरेट था ये बैबरस, ने बहुत पहना, बहुत पुराना है। आई थिंक कोई 5-6 साल तो पुराना होगा बैबरस, है ना। इट्स इयर्स ओल्ड, बट ये कितना प्यारा, ये एंटीक लुक में था, इतना प्यारा लगता था बैबरस को, बहुत प्यारी लगती थी इसमें। ये है, इसके बाद ये देखें, ये है जी बैबरस का ये। और उसके बाद ये कुछ इसकी, मैं भी ये लेके आई थी स्क्रंचीज, ये हैं जिसकी स्क्रंचीज, वो अभी इसने इधर ही डाली हुई थी।
चलें जी, ये हो गया हमारी, ये सर साइड भी खाली है। अब मैंने आपको लेके जाना है लास्ट वाले पे, लेकिन उससे पहले ये देखें, मैं इधर रख लेती हूँ, ढेर लगाती हूँ, इन चीजों को उठा के मैं उसमें वापस रखती हूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। ये हेयर बैंड या हेयर कैचर्स, जब उनकी हमने अभी आपने कम्प्लीट कर लिया, अभी हम जा रहे हैं नीचे। पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलता फिर रहा इतना बिजी दिन गुजारा मैंने। चले अब हम इधर आते हैं, इधर तो मुझे लग रहा है कुछ रैंडम चीजें ही बैबरस ने रखी। ओ ये मैं बैबरस की बनाती हूँ फ्रेंच ब्रेड, और उसके अंदर मैं ये लगाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है, इसमें बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये देखें, ये मैंने 3 packs खरीदे हुए थे, क्योंकि बैबरस के माशाल्लाह बाल लंबे हैं तो ब्रेड लंबी होती थी, तो ये 5 का pack था ईच, और ये मैंने खरीदे थे 3। अगर ये आपको मैं दिखाऊं, ये बहुत ही प्यारे हैं। मैं अभी तो बेबी स्कूल नहीं जा रही, तो मैं इसके ज़्यादा नहीं बनाती हूँ हेयर स्टाइल्स। ये देखें, ये भी हेयर ही एक्सेसरीज हैं सारी, ये भी बालों में लगती हैं। ये चेक करें कितनी क्यूट है, ये देखें इधर, इधर आपको दिखाती हूँ, फिर आपको नज़र आएंगे। ये देखें बड़ी प्यारी है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये सारी इसने हेयर एक्सेसरीज अलग से रखी हुई है, ये तो इसने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ। ये देखें, ये हेयर पिन्स हैं, ये देखें इसने सारी की सारी, ये सारी चीज़ें हेयर एक्सेसरीज ही हैं। अच्छा ये पिन्स हैं, जो कि ये कभी भी नहीं लगाती, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी। बेबस में तो तुम कभी नहीं देखे है ना। ओ ये है जी एंकलेट ये हो गई, ये देखें, और देखें देखें कुछ बड़ी अच्छी सेल प्राइस पे, $4 के लिए। इसकी रेगुलर प्राइस क्या थी देखने दे मुझे, $12.50 हो, $13 की थी और हमें $4 की मिली है। तो हमने ये 2 packs लिए हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह बाल लंबे हैं तो एक पैक हमेशा हमें थोड़ा पड़ जाता है, तो ये दूसरे ये हैं। ये चीज़ें हो गई, और उसके अलावा क्या है इसमें, क्या है बैबरस? नहीं नहीं तो ढेर सारी। ओ ये देखें, ये इसके रैंडम ईयर रिंग्स ही हैं, बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास वो बॉक्सेस नहीं थे या उनके वो स्टैंड्स नहीं थे, तो उसने इसमें इकट्ठे डाल दिए हैं। फिर इसमें क्या है, ओ ये तो तुम्हारे ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें, ये सारे के सारे हैं जी बैबरस के ब्रेसलेट्स हैं। ये देखें, लेकिन कभी भी नहीं पहनती मैं, आपको सच बता रही हूँ, मैंने इसको नहीं पहना देखा ये वाली चीज़ है। ये है जी इसका, ओ ये पाकिस्तान की कोई निशानी आ गई है, फर्स्ट चीज आई है जो हमारी पाकिस्तान की है ना बैबरस? हाँ जी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की है। और ये भी है जिसका नेकलेस कुछ टूट गया था, कुछ जुड़ा हुआ, तो ये इसने वो भी संभाल के रखा हुआ है। ये हो गए, इधर देखिए बैबरस, नथिंग, और ये हैं जी स्टॉपर्स, आपको नजर आ रहे होंगे सारे स्टॉपर्स हैं। तो ये मेरी बेटी सारी चीजें अपनी संभाल संभाल के रखती है, जो स्टॉपर्स होते हैं उनको एक ज़िपलॉक में डालती है, जब जरूरत पड़े तो फिर उसको निकाल लेती है। तो जनाब ये देखें, आप इन चीजों को मुझे वापस रखना है उसके अंदर, फिर वापस आती हूँ चले जनाब, तो ये देख लें, ये है जी उसका फाइनल लुक, क्योंकि मैंने उसको क्लीन भी कर दिया है और आप लोगों ने देख भी लिया इसको। तो मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये मैंने किधर से लिया था फाइनल, जो सब लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में। तो ये जनाब मैंने लिया था ब्रिक से, और राउंड हमें मिला था, मैं श्योर नहीं कि इसको लिया हमें, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि मैंने अराउंड लिया था $300 to $400 के अराउंड था ये, और उस वक्त का लिया हुआ। लेकिन ये इतना अच्छे तरीके से बैबरस ने इसको रखा हुआ है कि ये बिल्कुल एज गुड एज न्यू है। तो चले मैंने कहा आपको उसकी प्राइस भी बता दूँ, और मैंने किधर से ख़रीदा था मैं वो भी आपको बता दूँ। चलें जनाब, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एज यूजुअल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस एवरीडे देखनी है, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ एक छोटा सा बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग, अब मैं इसको करती हूँ बंद, आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।